कि नफस नफस कदम कदम बस एक फिक्र दम बदम घिरे हैं हम सवाल से, हमें जवाब चाहिए। जवाब दर सवाल है कि इंकलाब चाहिए। जहां किसान के खिलाफ साजिशें हो शान से, जहां बापू से नफरत प्रेम नथुराम से, जहां हम दो हमारे दो का खौफनाक राज हो, जहां भुखमरी का तांडव रोज बेशुमार हो, वहां ना चुप रहेंगे हम, कहेंगे हाँ कहेंगे हम, हमारा हक हमारा हक, हमें जनाब चाहिए। आपको एक अंग्रेजी फिल्म का एक दृश्य याद करा देता हूं। उसमें एक माँ अपने बेटे को कहती है कि थाली में रखा भोजन जाया मत करना, क्योंकि अफ्रीका में बच्चे भूख से मर रहे हैं। आज अफ्रीका की माएं अपने बच्चों को क्या कहती होंगी? वो कहती होंगी कि एक भी निवाला जाया ना हो, क्योंकि भारत में बच्चे भूख से मर रहे हैं। वो तब जब भारत के अन्नदाता ने देश के खाद्यान्न भंडारों को लबालब भर दिया, लेकिन उनकी आमदनी एक चौथाई नीचे गिर गई। चौकीदार बोला था कि आपकी आमदनी दोगुना करूंगा, पर आमदनी दोगुना नहीं, उनका ऋण दोगुना हो गया है। कहां 2014 में 47,000 रुपए प्रति किसान पर कर्ज था, जो आज 84,000 के पास पहुंच चुका है। और आगे अगर सरकारी आंकड़ों की माने, जिन्हें हम झूठ मानते हैं, उनकी भी माने, तो हर आधे घंटे में एक किसान फांसी का फंदा चूमता है इस कर्ज की वजह से। लेकिन इसके बरक्ष एक और दुनिया, एक और भारत है, और उस भारत में किसानी से जुड़ी हुई जो इंडस्ट्री है, उसका मुनाफा 700% पहुंच गया, 300% पहुंच गया। ऐसा क्यों? क्योंकि हम उस नए भारत में जी रहे हैं, उस नए भारत में जहां पर मिट्टी खेत की, खेत किसान का, कर्जा किसान का, पर मुनाफा कंपनी का, क्योंकि बीज बिजली खाद कंपनी की, पेस्टिसाइड इंश्योरेंस कंपनी का, सरकार कंपनी की, लेकिन मुनाफा वो किसान का नहीं, उसका फंदा है। 2014 से पहले डॉक्टर सिंह की सरकार दिशा देती थी बाजार को, लेकिन आज दो उद्योगपति हमारी सरकार का स्टेरिंग पकड़े हुए हैं, जिसकी वजह से 700 किसानों को अपनी जान देनी पड़ी उस गाड़ी के आगे आने से। लेकिन आज जब गांधीवादी तरीके से किसानों ने इस एक जीत पाई है, उससे उम्मीद दिखती है कि अब फसलों के फैसले किसान करेगा और मुनाफा किसान का होगा और कंपनी भी कमाएगी। और ये उम्मीद इसलिए भी है क्योंकि राहुल गांधी ने हर उस किसान विरोधी नीति का तट के सामना किया है, और उन्हीं की बदौलत ये हुआ कि हमें 6 अक्टूबर 2020 का दिन नहीं भूलना चाहिए, जब राहुल गांधी ने पंजाब से रैली निकाल के हरियाणा के बॉर्डर पर पहुंचे थे और किसान के आंदोलन को रास्ता दिखाया था, जिस रास्ते पर चलकर युवक कांग्रेस के लोगों ने पीठ पर लाठी खाई और लंगर खिलाया किसानों को। और उसी वजह से महात्मा गांधी की वो दो लाइनें आज आप सबके सामने बोलना जरूरी है कि जिस दिन भारत के किसानों को ये पता चल जाएगा कि अहिंसा की ताकत क्या है, दुनिया की कोई भी हुकूमत उनके सामने घुटने टेक देगी। शुक्रिया।